मोदी को कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का नारा लगाते हैं, आप लोग क्या ये चाह रहे हैं कि वो आपको जिस तरह आपके मेडल जीतने पर घर पे इनवाइट किया था, बातचीत हुई थी, सुना था, उसी तरह से आज भी आपको बुला करके आपकी बात सुने, यही आप चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं हम कि एक बार कम से कम हमें बुला के हमारी बात तो सुने, हमारी मतलब जो हम सच्चाई बोलना चाहते कि आप तक उन तक नहीं पहुँच रही हो, तो वो अपनी जाके उनसे बात करना चाहते हैं, हमारी बात सुने। तो विनेश आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों आपके इन बातों का वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या ये किस वजह से ऐसा होता है? बिकॉज की ब्रिजभूषण सेम पार्टी के हैं और उनकी पार्टी के ऊपर भी ये लांछन लगता है, या क्या कारण है, क्यों नहीं बुला रहे? वही जो साक्षी बता रही है कि क्या बताऊँ, तक आवाज ही नहीं पहुँच रही हो हमारी, तो हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि हम उनसे संपर्क कर सकें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं, उनके सामने बात रखेंगे तो क्या पता उनको सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए, क्या पता हमारे जो दर्द और हमारी पीड़ा है, जो देश की बेटियाँ जो चीख रही हैं अंदर से, हमारी जो आत्मा बिल्कुल ऐसे हो रही है कि डेड होने वाली है, क्या पता उनको भी दिखाई दे जाए कि आपके देश की बेटियां, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है, क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं, जिंदगी को दांव पे रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में, फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परमपिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज उनको सुनाई दे कि हम किस दर्द में हैं। देखिए जैसे बजरंग ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की आस, उम्मीद, विश्वास, प्यार, सहयोग, हर तरीके से वो हमारे साथ खड़े हैं, तो वो हमसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, तो इससे ज्यादा हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमारी लड़ाई ये सब लड़ रहे हैं, हमने तो शुरुआत की थी, इतना नहीं सोचा था कि हमें इतना सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो उम्मीद हमें गवर्नमेंट से थी वो हमारे जो देश के लोग हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हमारा अधिकार है, हमारे संस्कारों में ये है कि बड़ों को इज्जत दो, उन पे विश्वास करो, उनके सामने अपनी बात रखो, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो, तो हम उसी कोशिश पे लगे हुए हैं कि इज्जत से, प्यार से, सम्मान से, अगर वो हमारी बात समझ रहे हैं या सुन सकते हैं तो क्यों ना हम उनसे अपील करें। देखिए अभी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, आपके माध्यम से ही पता चला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, और मैं आपको बता दूं जो एक विक्टिम है, जो मैंने अभी बताया भी था, नाबालिग है, हमने उनको सेव किया लेकिन उनके रिश्तेदारों तक प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उनको ढूंढा जा रहा है कि कहाँ है, उनके रिश्तेदारों को प्रेशर राइज किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक, पुलिस प्रशासन तक, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्या पता, मुझे लगता है कि इसीलिए एफ आई आर नहीं हो रही होगी, उस बच्ची को दबा के कैसे भी करके पीछे हटाया जाए, इसीलिए प्रेशराइज किया जा रहा है, वो सेफ जोन में, हम भी चाहते हैं कि वो सेफ जोन में रहे, क्योंकि इसीलिए हम सामने, हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो नाम गया कहाँ से है, उनके रिश्तेदार तक ढूंढ लिए गए हैं, तो इसके जिम्मेवार कौन है? पुलिस को कंप्लेंट दी थी, पुलिस बताएगी इसका, अगर कुछ भी, मैंने वही बताया, कुछ भी किसी भी खिलाड़ी को
किसी भी खिलाड़ियों को अगर कुछ होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा, दिल्ली पुलिस। मैं देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और मैं सभी देशवासियों को पहले भी बताया कि 135 करोड़ लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी आइए। ये भारत की बेटी की लड़ाई है, ना कि एक विनेश साक्षी की लड़ाई है, ये भारत की बेटी की लड़ाई है। आप सभी एकजुट होकर आइए। अगर ऐसे ऐसे लोग हमारी बेटियों का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठेगी। भाई कितनी कमेटियाँ आप झेलेंगे? पहले जो कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा पाट दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं। आपको इस कमेटी पे भरोसा नहीं? हमें खेल मंत्रालय की कोई चीज भी होती है, हमें यह भरोसा नहीं रहा। देखिए, जितने भी लोग आज रेसलिंग में बैठे हैं, जितने भी लोग आज रेसलिंग फेडरेशनों में बैठे हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट में उठा लीजिए, कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा है, दामाद है, ऐसे ही सभी जगह उठा रखे हैं। जो जी स्टेटों में फेडरेशन थी जहाँ उनके लोग निकले, उनको ज़बरदस्ती तोड़ तोड़ के गुंडे बदमाशों को बिठा रखा है। वो बात की बात है, पहले हम जो मुद्दे पे बात है वो ये है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ रेसलिंग को जो शोषण हो रहा है ना उसको रोकने के लिए आए हैं। और यहाँ बैठे कोई प्रेसिडेंट के लालच में नहीं है कि हमें रेसलिंग को अपने कब्जे में लेना है। वो बोल रहे हैं ना कि भाई ये किसी लालच में आए हैं, सिर्फ हम अपनी भारतीय बेटियों को बचाने के लिए आए हैं, जो उनके साथ शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं। तो वो कोई भी आदमी बैठेगा वो इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे लगता है कि देश में एक ही काम होना चाहिए कि कोई भी कोना हो, तो ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब देगी कि भाई आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग जितना स्ट्रॉन्गली दिखाएंगे मेरे हिसाब से उतना जल्दी जाएगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, आप लाइव भी चलाइए और इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप सबके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी ब्रजभूषण को लगाने में लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के जैसे लोग लगे हुए हैं बचाने में, उनको कि उनको सेव किया जाए ताकि उनके जो काले चिट्ठे वो ना निकल के आए, वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं देश के खिलाड़ियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ रेसलिंग के नहीं, जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं, चाहे जो गेम आज कर भी रहे हैं, क्या ये लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो हम देश के खिलाड़ी देश के खेल को बचाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? इतनी हमारी आत्मा, हमारा विश्वास, हमारा तन सम्मान इतना छोटा हो गया ऐसी टूट के कि हम अपने देश के खेल को, जिस खेल ने हमें यहाँ पहुंचाया है, इतना मान सम्मान दिया है, देश के 135 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? अपना निजी स्वार्थ या थोड़ी सी अपना लाभ लालच छोड़ के नुकसान हमारा भी हो रहा है हर किसी को। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वो नुकसान इतना होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो देश के खिलाड़ियों से मेरी अपील है और प्लीज कृपया करके ये बाइट आप जरूर चलाइए कि देश के खिलाड़ी सुन सके, शायद उनके अंदर जो डर है, जो अपने भविष्य को लेके है, हम सब आप ही के बहन भाई हैं, हम सभी आप ही के साथी हैं, उसी घर परिवार से हम आए हैं जिस परिवार से आप हैं, और हम जब एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम देश के खेल को, ये लोग तो बोलते हैं कि हम देश को ओलंपिक्स में, हमारा देश नंबर 10 पे आ जाएगा, अगले ओलंपिक्स में नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस दिन देश के खिलाड़ी एक साथ खड़े हो गए, एक साथ बैठ गए कि नहीं हमें ये चाहिए और हमें
इन सब चीजों से निकल के हमें न्याय के साथ में लड़ना है या हमें गलत का साथ नहीं देना है या हमें हर एक वो सुविधा चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम देश में पूरे विश्व में नंबर एक होने से या नंबर वन पर पहुंचने से में कोई रोक सकता है। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जंतर मंतर से जहां पर पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहलवानों ने कहा कि हम एक बड़े क्रिमिनल के खिलाफ खड़े हैं और हम पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। तो वही संघ के अंदर गुंडे बदमाश बैठे हैं, ऐसा बजरंग पुनिया का कहना है। तो वही विनेश फोगाट ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर बजरंग पुनिया ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि कई संगठनों की ओर से समर्थन मिला है। वही विनेश फोगाट ने भी अपने बयान में कहा कि हम एक बड़े क्रिमिनल के खिलाफ खड़े हैं और हम पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, संघ के अंदर गुंडे बदमाश बैठे हैं। तो वहीं विनेश फोगाट ने अपने बयान में यह भी कहा कि बृजभूषण शरण को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों ने बयान देते हुए कहा कि हम एक बड़े क्रिमिनल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।